हेलो गाइस, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं रिव्यू करने वाली हूँ स्टे कुर्की के बैडेस्ट लिक्विड आईलाइनर का। बट रिव्यू करने के पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक आईलाइनर रिव्यू वीक कर रही हूँ। सो इस सीरीज में मैं पर डे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के आईलाइनर का रिव्यू दूंगी 1 वीक तक। सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ स्टे कुर्की के बैडेस्ट लिक्विड आईलाइनर्स का। सो इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, कुछ ब्लैक कलर का बॉक्स है और इसमें ये कलरफुल डिजाइन बनी हुई है। सो ये बैडेस्ट लिक्विड आईलाइनर है। सो इसमें इसके इंग्रेडिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इसका प्राइस और इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है। सो इसका जो प्राइस है वो है 175 रुपीज़ और इसमें जो आपको क्वांटिटी मिलती है वो 5 ml है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे डिफरेंट शेड अवेलेबल हैं। आई थिंक 8 या 9 शेड अवेलेबल हैं। जितने भी शेड अवेलेबल होंगे उनकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी उनके नेम के साथ। सो मेरे पास जो इसके शेड्स अवेलेबल हैं, सो ये 4 शेड मेरे पास अवेलेबल है इसके। सो इनका एक्चुअल प्राइस है 175 रुपीज़ बट मुझे 50% डिस्काउंट में मिले थे ये सारे आईलाइनर। सो मैंने इसमें 4 शेड पिक किए थे। सो आज मैंने जो आईलाइनर लुक क्रिएट किया है ये 2 शेड को मिक्स करके किया। सो मैंने पहले ब्लैक आईलाइनर अप्लाई किया और उसके बाद उसके ऊपर से ये रेड आईलाइनर अप्लाई किया। सो हम इसकी एक्चुअल पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से है। इसमें इसका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर शेड नेम है, क्वांटिटी वगैरह दी हुई है। सो इसकी जो पैकेजिंग देखने में वो भी ठीक ठाक है, थोड़ी सी चीप पैकेजिंग है और फील करने में भी ये थोड़ी सी चीप पैकेजिंग है। बट इसका जो एप्लीकेटर है वो काफ़ी अच्छा है। लेट मी शो यू। सो इसका जो एप्लीकेटर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी शार्प है। इससे विंग आईलाइनर काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो आप, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने 4 शेड पिक किए हैं बट मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि ये जैसे ये रेड शेड है, ये कॉपर शेड है, बट इसकी सारी की पैकेजिंग सेम है। बस जो मैंने ये ब्लू शेड लिया है इसकी पैकेजिंग ब्लू कलर की, अदर देन ये सारी पैकेजिंग एक जैसी है। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ इसके कि इसका कलर कैसा है। तो ये जो सबसे पहला शेड मैंने पिक किया है वो ये ब्लैक कलर है। सेकंड शेड जो मैंने पिक किया है ये थोड़े से लिक्विडी, थोड़े ज्यादा लिक्विडी आईलाइनर्स हैं। तो ये जो सेकंड शेड पिक किया है वो ये ब्लू कलर है, थोड़ा डार्क ब्लू कलर है। थर्ड जो मैंने पिक किया है सो ये कॉपर कलर है, आप देख सकते हैं। सो ये जो कॉपर कलर है इसमें थोड़े से ग्लिटर्स हैं, तो थोड़ा शाइनिंग वाला आईलाइनर है बट मुझे काफी पसंद आया। सो ये थर्ड शेड था। 4 शेड है रेड। सो जो ये रेड कलर है वो मुझे थोड़ा पिंक जैसा लगता है। सी ये कुछ पिंक कलर जैसा लगता है। इसमें भी थोड़े ग्लिटर्स हैं, थोड़ी शाइनिंग आती है बट मुझे काफ़ी पसंद है। स्पेशली अगर आपको अपनी आईज को हाईलाइट करना हो आईलाइनर के थ्रू तो ये अच्छे लगते हैं। बट ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट टाइप है, मतलब जो इसका पिगमेंटेशन है वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा उभर कर नहीं आता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें कहीं मेंशन नहीं किया कि ये वाटरप्रूफ है या स्मच प्रूफ है। सो मैं आपको मेंशन कर दूँ कि ये वाटरप्रूफ भी नहीं है और ना ही ये स्मच प्रूफ है। ये कुछ देर बाद फेड होने लगते हैं बट स्टार्टिंग के लिए और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के आईलाइनर यूज करना चाहते हैं उसके लिए ये आईलाइनर काफी अच्छे हैं, मुझे काफी पसंद भी हैं। सो ब्लैक कलर इसका काफी टाइम तक स्टे करेगा आपकी आईज पर। मैंने ब्लैक कलर तो काफी टाइम तक चल जाता है बट वो भी वाटर प्रूफ नहीं है। बट जो इसके और शेड्स हैं वो अगर आप देखेंगे इस तरीके से तो ये स्मच नहीं होंगे। बट अगर ये काफी टाइम तक आप अपनी आईज पर इसको अप्लाई करके रखते हैं तो ये थोड़े से फेड होने लगते हैं। सो ये वाटरप्रूफ तो नहीं है, बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है बट सिंपली डेली यूज करने के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के आईलाइनर्स पसंद है तो ये आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएंगे,
स्पेशली मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है आईलाइनर, क्योंकि मुझे इनके स्पेशली शेड्स बहुत पसंद है। ये रेड जो कि पिंक जैसा दिखता है, और ये कॉपर तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। बट सबसे अगर ये इसके ना जो फॉर्मूला है वो और अच्छा करे, लाइक इसका पिगमेंटेशन और अच्छा होगा, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। अदर देन ये एक आईलाइनर मुझे काफी पसंद है, मेरे लिए इनके लिए थम्स अप है। आप ट्राई कर सकते हैं आईलाइनर्स को। सो मेरा ये एक छोटा सा क्विक रिव्यू था इन लिक्विड आईलाइनर के लिए। ये मुझे पसंद आए, मैंने इनको परचेज किया था क्योंकि इसमें काफ़ी सारी शेड रेंज थी, क्योंकि मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर के आईलाइनर अप्लाई करना अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई मैंने इनको परचेज किया था। अगर आपको भी अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर के आईलाइनर्स पसंद हैं तो आप इनको परचेज कर सकते हैं। सो अगर आपको ये 100 रुपीज के अंदर में अगर आपको कलरफुल आईलाइनर मिलते हैं तो मेरे लिए तो इन आईलाइनर के लिए थम्स अप है। सो मेरा ये एक छोटा सा रिव्यू था। आई होप आपको मेरी ये रिव्यू वीडियो पसंद आया हो और मेरी ये रिव्यू सीरीज अच्छी लगी हो। सो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।